एक्सप्लोर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। आज की क्लास में हम ANM के पेपर्स के बारे में बात करने वाले हैं कि आपके अलग अलग स्टेट वाइज जिनके ANM के पेपर हैं, आपको पेपर आते कैसे हैं। यदि आप पंजाब के लिए एग्ज़ाम देते हैं तो हो सकता है आपको इंग्लिश और पंजाबी में आपका पेपर आए, हिंदी वहाँ पर इंक्लूड नहीं की जाएगी। गुजरात के लिए देते हैं, गुजरात का स्पेशली ANM का पेपर है जो गुजराती लैंग्वेज में है, जो प्रेजेंट किया जाता है, इंग्लिश में नहीं होता है। बट वहाँ के स्टाफ नर्स वाले पेपर इंग्लिश प्लस गुजराती में होते हैं। कर्नाटका की बात करें हम तो मोस्ट ऑफ दी पेपर कन्नड़ा जो लोकल लैंग्वेज है और इंग्लिश में इंक्लूड किए जाते हैं। लेकिन जो राजस्थान के यूपी MP बिहार के पेपर होते हैं वो पेपर आपके लिए है जो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिए जाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एक पेपर की जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन है, आपको पेपर में आते किस तरीके से क्वेश्चन है और आप है जो किस तरीके से अपनी तैयारी करें। तो अपकमिंग टाइम क्योंकि अपकमिंग टाइम में जो भी एग्ज़ाम होने हैं, चाहे वो बिहार में 10,000 प्लस वैकेंसी के लिए हो ANM का, या फिर उड़ीसा में हो ANM की पोस्ट के लिए, वेस्ट बंगाल में हो, कहीं पर भी ANM का पेपर होता है, या हिमाचल में या फिर हरियाणा में कहीं पर भी पेपर होता है, तो आपको पेपर में क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं। और जो भी लोग इन अलग अलग स्टेट वाइज पेपर्स की स्पेशली ANM पेपर्स की PDF परचेस करना चाहते हैं तो वो भी आपको अवेलेबल हो जाएंगी। और जो भी लोग किसी भी रीज़न से PDF नहीं ले पाते हैं उनको विथ रेशनल के ऑफिशियल आंसर की इस चैनल पर भी अपलोड की जाती हैं कि आपको यहाँ पे भी किस तरीके से देखना है। तो जो भी लोग यदि इन PDF को लेना चाहते हैं, इस पेपर को सॉल्व करने के पहले मैं आपको बता दूँ कि जो भी लोग इन PDFs को लेना चाहते हैं आप डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इन PDFs को ले सकते हैं, जिसमें आपको MP, UP, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश एंड और अदर स्टेट वाइज जो पेपर है मेरे पास, मे बी 23 के आसपास होंगे। रिसेंट में एक पेपर मैंने कल ऐड किया है। मेरी रिक्वेस्ट, जिन भी लोगों ने ANM के पेपर्स लिए हैं वो लोग प्लीज़ मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जिस भी नंबर से आपने पेमेंट कर रखा था, एक बार आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिए ताकि मैं 2023 का जो एक रिसेंट पेपर है वो आपको सेंड कर पाऊँ। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट, जिन भी लोगों ने पहले पेमेंट कर रखा है स्पेशली ANM पेपर्स को लेके, वो मुझे दोबारा से व्हाट्सएप पे मैसेज करें ताकि मैं एक पेपर उनके लिए भेज पाऊँ। MP में 2023 में PEB के थ्रू करवाया गया था ANM का पेपर। और जो भी लोग इन पेपर्स को लेना चाहते हैं तो चार्जेस ओनली 200 रुपीज़ हैं, 200 रुपये चार्ज रखा गया है। आई थिंक 23 PDF के लिए ये एक बहुत ही चीप प्राइस है, बट फिर भी आप सभी अफोर्ड कर पाएँ इसलिए इतना चार्ज है जो रखा गया है। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी तरीके से आपको सभी PDF रहेंगी, ऑफिशियल रहेंगी। ओनली मैंने UP के पेपर्स बस में टाइपिंग फॉर्मेट में उनको लाया है ताकि आपको जो ब्लड फॉर्मेट था उसको आपके पास ना भेजा जाए और आपको प्रिंट आउट लेने में प्रॉब्लम हो। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज पूरे 100 क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका, ऑल ऑफ दी फॉलोइंग आर साइन ऑफ चोकिंग एक्सेप्ट फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन में, बस आपको आंसर पहले विजिबल होंगे बाकी नेक्स्ट से नहीं होंगे। तो सभी साइन है चोकिंग के किसी एक को छोड़कर। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, स्पीकिंग लाउडली, लिप्स एंड टंग टर्न ब्लू, या फिर ट्राइज टू कफ। जब भी आपके गले में, आप खुद से एक्सपीरियंस कीजिए, खाना खाते खाते कुछ गले में फंस जाए आपके, ज़्यादा बड़ा निवाला ले जाए कुछ भी, तो आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। दूसरी चीज़, आप किसी को इतना तेज साउंड दे कि नहीं, बिल्कुल मिनिमल साउंड के थ्रू बुलाने की कोशिश करेंगे। लिप्स ब्लू इसलिए होंगे लिप्स और टंग क्योंकि ऑक्सीजन, आप प्रॉपर सांस नहीं ले पा रहे हैं और खांसने की कोशिश करेंगे, लेकिन लाउडली तो बिल्कुल भी नहीं बोल पाएंगे। जिन भी लोगों को चोकिंग की प्रॉब्लम होती है, आपको ही सबको एक बार ना होती ही होती है, खाना खाते टाइम या किसी भी रीज़न से, तो आप ज़ोर से तो बिल्कुल भी नहीं चिल्ला पाएंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, स्पीकिंग। गट इज कॉज्ड बाय इंक्रीज्ड लेवल ऑफ, तो गट है जो लेवल बढ़ने के कारण, किसका लेवल बढ़ने के कारण होता है, वायरल कोल्ड, यूरिक एसिड, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या फिर माइल्ड कंजक्टिवाइटिस। जो भी लोग MP, UP, बिहार, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, किसी भी स्टेट के लिए ANM का पेपर दे रहे हो, वो डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इन PDF को सेम एज इसी फॉर्मेट में परचेस कर सकते हैं।
दूसरा क्वेश्चन है आपका कि गट का रीजन क्या है। गट कब होता है, जब आपके ब्लड में आपका ये जो ब्लड है इसमें क्या हो जाए, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाए। किसका? यूरिक एसिड का लेवल है जो बढ़ जाए। अब ये यूरिक एसिड का लेवल बढ़ेगा तो कहाँ पे एक्यूमुलेट होगा? जॉइंट्स के यहाँ पर, इसलिए जॉइंट्स में पेन होगा। तो यहाँ पर गट का जो मेन रीजन क्या है वो है यूरिक एसिड का बढ़ना। अब यहाँ पर इस यूरिक एसिड को बाहर निकालने के लिए जो ड्रग दी जाती है वो क्या कहलाती है? एलोप्यूरिनोल। तो एलोप्यूरिनोल नाम की ड्रग दी जाती है। ड्रग का नाम याद रखें। गट है जो आपको, मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन गट नहीं आया, गट की जगह ड्रग ऑफ चॉइस पूछ ली गट की, या फिर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा दैट मीन्स कौन सी प्रॉब्लम है, या फिर गट के साइन सिम्टम पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इन पेपर से हेल्प मिलेगी कि मान लीजिए पूछा जाए आपको कि जैसे चोकिंग वाला फर्स्ट क्वेश्चन है, इसी में आपको पूछ लिया जाए हैमलेट मैन्यूवर, जो कि नर्सिंग का फेमस क्वेश्चन है, किसके लिए यूज़ किया जाता है? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को चोकिंग हुई है उसको ट्रीट करने के लिए। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस पेपर आपको हर एक स्टेट के देखना है, चाहे आप किसी भी स्टेट का पेपर दे रहे हो, क्योंकि आपको क्वेश्चंस रिपीट बहुत होते हैं। तो गट क्या है जो रीजन मेन क्या है? यूरिक एसिड का बढ़ना। इस यूरिक एसिड को बॉडी से फ्लश आउट करने के लिए जो ड्रग दी जाएगी वो कहलाती है एलोप्यूरिनोल। क्या है? एलोप्यूरिनोल। यूरिन के थ्रू ये यूरिक एसिड क्या करेगी? बाहर निकालेगी। और एक चीज़ और मैं बता दूं, रिसेंट में मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि क्या मैम को हमेशा सर्दी खांसी रहती है। मुझे सर्दी खांसी हमेशा नहीं रहती है, मेरा जो थायराइड लेवल है वो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाता है, इवन कितना भी ट्रीटमेंट ले लो कुछ भी, बट जो थायराइड लेवल फ्लक्चुएट होने के कारण मेरी जो आवाज़ है वो हमेशा डिफरेंट डिफरेंट, अलग अलग वीडियो में आपको अलग अलग तरीके से आवाज़ मेरी सुनने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइल प्रोवाइडिंग CPR चेस्ट कंप्रेशन हैज टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ। तो जब आप CPR दे रहे हैं, CPR प्रदान करते समय चेस्ट कंप्रेशन को निम्न दर पर प्रदान करना होता है। किस रेट पे आप CPR देते हैं चेस्ट कंप्रेशन में? 40 to 60 कंप्रेशन पर मिनट, 80 to 100 कंप्रेशन पर मिनट, 100 to 120 कंप्रेशन पर मिनट, या फिर 120 to 150 कंप्रेशन पर मिनट। जो जब आप CPR दे रहे हैं तो कितनी रेट से देंगे आप, कितनी रेट से देना है? तो ये देना है आपको 100 to 120 कंप्रेशन पर मिनट के हिसाब से। किससे? 100 to 120 कंप्रेशन पर मिनट के हिसाब से। एक और आपको जो वेंटिलेशन और कंप्रेशन रेशियो पूछा जाता है तो वो होता है जनरली इस तरीके से। नेक्स्ट वन इज, इन अ पर्सन विथ कार्डियक अरेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग साइन विल बी सीन। तो कार्डियक अरेस्ट वाले मरीज में क्या साइन देखने को मिलेंगे? सडन कोलैप्स मतलब अचानक से गिर जाना, कॉन्सियस, ब्रीदिंग, या फिर ऑल ऑफ द अबव। कार्डियक अरेस्ट यदि किसी पर्सन को होता है, कार्डियक अरेस्ट होता है किसी पर्सन को, तो बेहोश तो होगा ही, सांस लेने में भी दिक्कत होगी, लेकिन अचानक से धरती पे धड़ाम होके भी गिरेगा, तो इसको कहेंगे आप सडन कोलैप्स होना, अचानक से गिर जाना। इसको कार्डियक अरेस्ट आएगा वो ये नहीं बोलेगा कि भाई मुझे हॉस्पिटल लेके चलो, मतलब वो कॉन्शियस नहीं है। दूसरा, सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर कार्डियक अरेस्ट वाले मरीज में जो साइन देखने को मिलेगा वो क्या होगा? वो होगा सडनली कोलैप्स, खड़े खड़े गिर जाना। नेक्स्ट इज, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स इज मेजर्ड बाय। तो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स किसके द्वारा मापा जाता है? एब्डोमिनल गर्थ, अल्ट्रासोनोग्राफी, लियोपोल्ड मैन्यूवर, या फिर वलोटमेंट। किसके थ्रू है जो एमनियोटिक फ्लूइड लेवल है जो मापा जाता है? तो वो होगा अल्ट्रासोनोग्राफी, USG के थ्रू पता चलेगा। यदि यही लेस देन 5 सेंटीमीटर, जो AFI इंडेक्स है 5 सेंटीमीटर से भी कम हो गया, मतलब उस प्रेग्नेंट लेडी को क्या हो गया है? हाइड्रोमनियोस। क्या है? हाइड्रोमनियोस। लेकिन यदि यही चीज़ जो एमनियोटिक फ्लूइड है कितने से ज़्यादा हो जाए, 25 से, जो AFI इंडेक्स है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स से मोर देन 25 हो जाए, तो ये कंडीशन कहलाती है क्या?
पॉलीहाइड्रोमनियास मतलब एमनियोटिक फ्लूड का ज़्यादा बढ़ जाना। यदि बात करें हम ml में तो पॉलीहाइड्रोमनियास में लेवल हो जाता है कितना, 2000 ml से भी ज़्यादा, कितना 2000 ml से भी ज़्यादा हो जाएगा एमनियोटिक फ्लूड का लेवल, तो ये क्या कहलाएगा, पॉलीहाइड्रोमनियास। और हाइड्रोमनियास में क्या होगा, एमनियोटिक फ्लूड का लेवल कम रहेगा। ये क्वेश्चन आपको बहुत एग्जाम में आते हैं कि यदि ओलिगोहाइड्रोमनियास से मतलब क्या है एमनियोटिक फ्लूड, ओलिगो का मतलब कम होना और पॉलीहाइड्रोमनियास का मतलब क्या है, एमनियोटिक फ्लूड का लेवल बढ़ जाना। नेक्स्ट वन इज CPR स्टैंड फॉर, तो CPR का फुल फॉर्म क्या है, कार्डियोपल्मोनरी रिवाइवल, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, कार्डियोपल्मोनरी रिसाइकल या फिर कार्डियोपल्मोनरी रिकवरी। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। CPR का मतलब होता है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, क्या है, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। नेक्स्ट इज द एम ऑफ द फर्स्ट एड इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, जो अब आपको फर्स्ट एड के क्वेश्चन आते हैं वो भी यहाँ पे मिल जाएंगे। मैं बताती जाऊँगी कि आपको किस किस सेक्शन से जो क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। तो अभी वाला क्वेश्चन है आपका फर्स्ट एड का, जिसमें 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। तो पहला जो 7वें नंबर का क्वेश्चन है कि फर्स्ट एड के एम सभी हैं, प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य सभी हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है टू प्रिजर्व द लाइफ, टू प्रिवेंट द हॉस्पिटलाइजेशन, टू प्रमोट द रिकवरी या फिर टू इंश्योर सेफ ट्रांसपोर्टेशन। तो फर्स्ट एड के सभी एम है किसी एक को छोड़कर, तो लाइफ को तो प्रिजर्व करना ही है, रिकवरी को भी प्रमोट करना है, इंश्योर सेफ ट्रांसपोर्टेशन क्या नहीं है, फर्स्ट एड का उद्देश्य क्या नहीं है, हॉस्पिटल भेजना है ना कि प्रिवेंट करना है ताकि मरीज की जान बच सके। तो यहाँ पर क्या होगा, टू प्रिवेंट हॉस्पिटलाइजेशन, अस्पताल में भर्ती होने से रोकना है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं करना, फर्स्ट एड देके मरीज को तुरंत हॉस्पिटल भेजना है आपको। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, अस्पताल में भर्ती होने से रोकने के लिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, द डेंजर साइन इन पोस्टपार्टम वुमेन आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो डेंजर साइन आफ्टर द डिलीवरी के बाद खतरे के सभी निशान हैं किसी एक को छोड़कर, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, फाउल स्मेलिंग लोचिया, फीवर लोचिया रूब्रा, सभी साइन है डेंजर साइन किसी एक को छोड़कर। डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होती है तो क्या है, आपको इस केस में लेडी को तुरंत हॉस्पिटल भेजना है, डेंजर साइन हो सकते हैं। फाउल स्मेलिंग लोचिया है, दैट मीन्स ये क्या हो रहा है, कोई ना कोई इन्फेक्शन डेवलप हो रहा है उसके कारण है। फिर फीवर, फीवर का मतलब भी यहाँ पर है कि इन्फेक्शन है। लोचिया रूब्रा क्या है, कॉमन है आफ्टर द डिलीवरी, ये क्या है, कॉमन है, जो वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है आफ्टर डिलीवरी पोस्टपार्टम पीरियड में क्या है, कॉमन है। तो यहाँ इस केस में डेंजर साइन में कंसीडर नहीं किया जाएगा, लेकिन जो डेंजर साइन होगा वो क्या होगा यहाँ पर, सॉरी, जो डेंजर साइन सभी है किसी एक को छोड़कर मतलब जो नॉर्मल है तो होगा लोचिया रूब्रा, बाकी सांस लेने में दिक्कत होना, खराब गंध वाला लोचिया मतलब इन्फेक्शन के कारण स्मेल आ रही है, फीवर मतलब पक्का इन्फेक्शन हुआ है। तो यहाँ पर जो नॉर्मल है वो क्या है, लोचिया रूब्रा, एल्वा रूब्रा सेरोसा। नेक्स्ट इज व्हाट शुड बी द ड्यूरेशन ऑफ फुल टर्म प्रेगनेंसी। तो एक फुल टर्म प्रेगनेंसी कंसीडर की जाती है 37 वीक के बाद, कब, 37 वीक के जेस्टेशनल पीरियड के बाद। अब यहाँ पर फुल टर्म प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन क्या है, 250 दिन, 280 दिन, 300 दिन या फिर 310 दिन, क्या है फुल टर्म प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन। जो फुल टर्म प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन होगा वो होगा 280 दिन। अब यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन और बनता है ईडीडी कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पर आई होप आप लोग समझ गए, फुल टर्म प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि 37 वीक के बाद की प्रेगनेंसी, लेकिन जब काउंटिंग की जाती है तो यहाँ पर जो 37 वीक को टर्म प्रेगनेंसी में कंसीडर किया जाता है, इसके पहले होती है तो क्या है, प्री टर्म में कंसीडर की जाए, ठीक है। लेकिन यदि प्रेगनेंसी 40 वीक तक डॉक्टर वेट करते हैं कि नॉर्मली अपने आप से इंड्यूस हो जाए लेवर तो ठीक है, लेकिन यदि नहीं होते हैं 42 वीक तक वेट करते हैं, क्या कहलाती है, वो कहलाती है पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी। अब एक क्वेश्चन और आपको बनता है ईडीडी को लेके,
यदि आप ANM में पढ़ रहे हैं या फिर ANM का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको ETD कैलकुलेट करना आना चाहिए। ETD कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, 9 मंथ प्लस 7 डेज प्लस LMP, आपको लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का पहला दिन प्लस 9 महीने प्लस 7 डेज इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे आपकी क्या निकल के आ जाएगी, एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी। नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ इंजरीज एंड वुंड इज नोन एज, तो चोटों और घाव के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ट्राइकोलॉजी, ट्यूमरोलॉजी, ट्रोमेटोलॉजी या फिर टॉर्पेडोलॉजी, क्या टर्म यूज़ किया जाएगा यदि किसी को कुछ घाव हुआ है या फिर इंजरी वगैरह हुई है तो इसके लिए क्या टर्म यूज़ किया जाएगा, वो टर्म होगा ट्रोमेटोलॉजी। जैसे ट्रॉमा सेंटर होते हैं अलग अलग हॉस्पिटल में, वैसे ही आपने मुंबई डायरीज जो सीरीज़ देखी होगी तो उसमें भी यदि आपको पता नहीं है तो मैं आपको बेसिक सी चीज़ें बता देती हूँ। रिसेंट में एक सीरीज़ आई है मुंबई डायरीज़, उसमें ट्रॉमा सेंटर बताया गया है। आपने हॉस्पिटल में जाके तो देखा ही होगा लेकिन मूवीज़ में देख के भी आपको यदि याद होता है तो उसको देख के भी सीख लेना। तो यहाँ पर नेक्स्ट टर्म क्या है, ट्राइकोलॉजी। ट्राइकोलॉजी का मतलब होता है हेयर, क्या है यहाँ पर, हेयर के बारे में स्टडी करना, ह्यूमन हेयर किस तरीके से काम करते हैं वो सबकी स्टडी। तो यहाँ पर जो क्या है, घाव और इंजरी वगैरह के बारे में स्टडी को क्या कहा गया, ट्रोमेटोलॉजी। नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग नियोनेटल रिससिटेशन हार्ट रेट इज चेक्ड बाय पालपेटिंग द अम्बिलिकस फॉर, तो यहाँ पर नियोनेटल रिससिटेशन के टाइम पर, नियोनेटल रिससिटेशन के टाइम पर जब आप हार्ट रेट चेक करते हैं तो अम्बिलिकस के यहाँ पर कितने टाइम तक करना है चेक, 6 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड या फिर 1 मिनट तक। तो न्यूनेटल रिससिटेशन के टाइम पर जब आप अम्बिलिकस को क्या करते हैं, पालपेट करते हैं, कितने टाइम तक करना है आपको, ओनली फॉर 6 सेकेंड, कितना, 6 सेकेंड, 6 सेकेंड के लिए बस। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज एडमिनिस्टर टू द न्यू बॉर्न विद इन 12 आवर ऑफ बर्थ, तो जन्म के समय बच्चे को जन्म के समय से लेके विदिन 12 घंटों के अंदर कौन सा टीका दिया जाता है, रुबेला, हेपेटाइटिस बी, रोटावायरस या फिर मीजल्स, कौन सा टीका लगाया जाता है बच्चे को जन्म के समय, तो वो दिया जाता है हेपेटाइटिस बी, क्या है, हेपेटाइटिस बी, विटामिन के दिया जाता है फॉर प्रिवेंशन ऑफ हेमरेज, ब्लीडिंग से प्रिवेंट करने के लिए, क्या, विटामिन के, और OPV का 0 डोज, यहाँ पर याद रखें 0 डोज दिया जाता है OPV का, और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जब नहीं दी जाती है, जब बच्चे का वजन 2 kg से भी क्या हो, लेस देन 2 kg से कम हो तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन बच्चे को नहीं देनी है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, हेपेटाइटिस बी, जन्म के समय क्या क्या दिया जाता है, हेपेटाइटिस बी, BCG वैक्सीन, ये भी याद रखें आप, BCG वैक्सीन 1 मंथ तक दी जा सकती है और 1 मंथ से 1 ईयर तक भी दी जा सकती है, आफ्टर दैट नहीं दी जा सकती। तो यहाँ पर BCG, OPV, विटामिन के और हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन दिया जाता है, OPV ओरल दिया जाएगा, BCG इंट्राडर्मल दिया जाएगा, विटामिन के और हेपेटाइटिस बी कहाँ दिए जाएंगे, इंट्रावस्कुलर रूट से। नेक्स्ट वन इज़, ये भी याद रखें कि यदि बच्चे का वजन 2 किलोग्राम से कम है तब हेपेटाइटिस बी वैक्सीन नहीं दी जाती है, इंतज़ार किया जाएगा, वेट किया जाएगा कि जब बच्चा 2 किलो कंप्लीट कर लेगा तब उसको ये वैक्सीन दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इन केस ऑफ होम डिलीवरी द यूट्रोटॉनिक ड्रग दैट हैज़ टू बी एडमिनिस्टर्ड एज, तो यदि घर में प्रसव की स्थिति है, यदि होम डिलीवरी हुई है तो यूट्रोटॉनिक ड्रग जो दी जा रही है वो कौन सी दी जाएगी और कितनी दी जाएगी, ऑक्सीटोसिन 10 IU, ऑक्सीटोसिन 100 IU, प्रोजेस्ट्रॉन या फिर प्रोजेस्ट्रॉन 200 IU, कितना देंगे आप। यदि होम डिलीवरी का केस है, घर में प्रसव की स्थिति बढ़ गई है, तो यहाँ पर आप देंगे ऑक्सीटोसिन 10 IU, कितना, ऑक्सीटोसिन 10 IU। नेक्स्ट इज
द परसेप्शन ऑफ एक्टिव फीटल मूवमेंट दैट इज फेल्ट बाय द मदर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। यदि माँ को प्रेगनेंसी में अपने जो फीटल मूवमेंट फील हो रहे हैं, अपने जो बच्चे के हलचल फील हो रही है, तो क्या कहलाएगा? अलॉटमेंट, एंगेजमेंट, क्विकनिंग या फिर लाइटनिंग। लाइटनिंग का तो मतलब होगा कि जब 37 वीक की प्रेगनेंसी हो जाए, बच्चा एक्सीफेस्टर्नम तक पहुंच जाती है, फंडल हाइट हो, क्या हो, सडनली डाउन आ जाए, तो वो लाइटनिंग। फिर क्विकनिंग का मतलब होगा फर्स्ट फीटल मूवमेंट जो माँ को अपने बच्चे के फील होंगे, माँ को जो अपने बच्चे के फीटल मूवमेंट फील होंगे वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे क्विकनिंग। और ये जनरली कब होते हैं? 20 वीक की प्रेगनेंसी में। याद रखें, 20 वीक की प्रेगनेंसी में क्विकनिंग मूवमेंट हैं जो फील होते हैं, जिनको कहा जाता है फर्स्ट फीटल मूवमेंट। नेक्स्ट वन, द मोस्ट कॉमन पेनलेस ब्लीडिंग आफ्टर 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी इज एसोसिएटेड विथ। गर्भावस्था के 28 सप्ताह के बाद होने वाली सबसे आम पीड़ा रहित, मतलब बिना दर्द के जो ब्लीडिंग होती है, वो क्या है? प्लेसेंटा प्रीविया, हाइडेटिफॉर्म मोल, मोलार प्रेगनेंसी या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो यहाँ पर पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग, जब भी कहा जाए कि पेनलेस ब्लीडिंग हो रही है, मतलब ये क्या है? प्लेसेंटा प्रीविया, जो सर्विक्स है। अब प्लेसेंटा जनरली इधर अटैच रहेगा, लेकिन यहाँ पर इस एरिया में आके जब यदि प्लेसेंटा अटैच हो जाए, प्लेसेंटा आके इस एरिया में अटैच हो जाए, सर्वाइकल उसको कवर कर जाए, या तो कम तरीके से या ज़्यादा तरीके से, तो वो कहलाता है क्या? प्लेसेंटा प्रीविया। अब यहाँ पर यदि ब्लीडिंग पेनलेस हो रही है, पता ही नहीं चलेगा, दर्द नहीं हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, कहलाता है प्लेसेंटा प्रीविया। मोलार प्रेगनेंसी का मतलब है कि एक ऐसी प्रेगनेंसी जिसमें फीटस नहीं है, जिसमें फीटस नहीं रहता है, जिसको आप फॉल्स प्रेगनेंसी भी कह सकते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब है कि बच्चा जनरली यूट्रस में इम्प्लांटेशन ना होकर, ये जो फैलोपियन ट्यूब है, वहाँ पर इम्प्लांटेशन का होना, मान लीजिए बच्चे का इम्प्लांटेशन इस एरिया में हो जाए, यहाँ ना होके, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और यहाँ पर जितनी भी दिए गए हैं सभी क्या हैं? ये सभी हाई रिस्क प्रेगनेंसी हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज द वाइट ग्रीसी सब्सटेंस दैट कवर्स द बॉडी ऑफ द न्यूबॉर्न, इट्स कॉल्ड एज। तो वाइट ग्रीस जैसे चिपचिपा जो पदार्थ है बच्चे की बॉडी को कवर करके रखता है, वो क्या कहलाता है? ऑप्शन में है आपको वर्निक्स, लेन्यूगो, मीलिया या फिर एपिथीलियम। लेन्यूगो का मतलब होता है बच्चे की बॉडी पर जो रोम होते हैं, छोटे छोटे हेयर होते हैं वो। मीलिया मतलब जो स्पॉट्स होते हैं। वर्निक्स सिजोसा, बेबी की बॉडी को पूरा कवर करके रखते हैं। लेकिन जब कभी कभी 40 वीक से ज़्यादा की प्रेगनेंसी के बाद बच्चा होता है, तो लेन्यूगो क्या होते हैं, जो वर्निक्स है वो क्या झड़ जाएगा पूरा एमनियोटिक फ्लूड में। तो यहाँ पर जो बॉडी को कवर करके रखेंगे न्यूबॉर्न बेबी की, वो क्या कहलाते हैं? वर्निक्स सिजोसा। नेक्स्ट इज द ब्लड प्रेशर दैट कैन बी मेजर्ड बाय पाल्पेट्री मेथड। तो जो बीपी पाल्पेट्री मेथड से असेस कर सकते हैं, वो क्या है? सिस्टोलिक, डायस्टोलिक, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक या फिर नन ऑफ द अबव। पाल्पेट करके जो बीपी आप मेजर कर सकते हैं, वो कहलाता है सिस्टोलिक बीपी। क्या है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। नॉर्मल बीपी कितना होता है? 120/80 mmHg। नेक्स्ट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। ये मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया है क्वेश्चन कि ये आता है, और ये देखिए आया भी है इस पेपर में, कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कैलकुलेट करने की फॉर्मूला क्या है? प्रसूति की अपेक्षित तिथि की गणना का सूत्र। ऑप्शन में LMP प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ही आपका सही आंसर है। लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का पहला दिन, मान लीजिए पीरियड्स स्टार्ट हुए हैं 4 नवंबर से, तब से 4 नवंबर से स्टार्ट हुए हैं, 10 नवंबर तक चले हैं, कि नेक्स्ट मंथ आप टेस्ट करते हैं, प्रेग्नेंट निकलते हैं, तो आप उस लेडी का EDD
पर क्या है, यह ईडीडी का फॉर्मूला कि ईडीडी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एलएमपी प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग बैग एंड मास्क वेंटिलेशन इनएडिक्वेट चेस्ट राइज इन द न्यू बॉर्न मे बी ड्यू टू द, जब आप बैग एंड मास्क वेंटिलेशन के थ्रू बेबी को क्या कर रहे हैं, कभी कभी एम्बू बैग के थ्रू मास्क वेंटिलेशन के थ्रू ऑक्सीजन देना पड़ जाता है, लेकिन यहाँ पर इनएडिक्वेट चेस्ट है जो ऊपर की तरफ हो रहा है, तब यहाँ पर क्या है, ब्लॉक्ड एयरवे है, इनएडिक्वेट सीलिंग है, नॉट इनफ प्रेशर इज गिवन, या फिर ऑल ऑफ दिस। क्या रीज़न हो सकता है कि जब आप न्यूबॉर्न बेबी को बैग एंड मास्क वेंटिलेशन के थ्रू ऑक्सीजन दे रहे हैं, इनकेस उसका जो चेस्ट है प्रॉपर जितना ऊपर को आना चाहिए उतना नहीं आ रहा है, दैट मीन्स एयर वे ब्लॉक्ड रहेंगे, तो हो सकता ऑक्सीजन सही से ना जाए, इनएडिक्वेट सीलिंग हो जब आप मास्क वेंटिलेशन और बैग यूज़ कर रहे हो, जितने प्रेशर की ज़रूरत हो उतना यूज़ ना कर रहे हो, तो इनमें से कोई सा भी रीज़न हो सकता है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट वन है, द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स आर्टेरियल ब्लड प्रेशर इज नोन एज, कौन से इंस्ट्रूमेंट से, कौन से उपकरण से आप ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, पिंगनोमीटर, हिप्सोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर, या फिर सिग्मोस्कोप। सिग्मोस्कोप है जो यूज़ किया जाता है सिग्मोइड जो कोलोन का पार्ट है उसको विजुलाइज करने के लिए। अब यहाँ पर आपका जो आर्टेरियल बीपी मापने वाला उपकरण पूछा, इंस्ट्रूमेंट पूछा है, तो वो कौन सा होगा, वो होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3, स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या होगा, स्फिग्मोमैनोमीटर। नेक्स्ट वन इज, इट इज कॉल्ड ब्रीथ प्रेजेंटेशन व्हेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंटिंग पार्ट एक्सेप्ट, किस केस में ब्रीथ प्रेजेंटेशन कहा जाएगा, सभी में ब्रीथ प्रेजेंटेशन की बात की जा रही है लेकिन किसी एक को छोड़कर सभी केसेस में ब्रीथ प्रेजेंटेशन कहा जाएगा, किसी एक को छोड़कर, बटक्स, लेग्स, हैंड, या फिर हेड। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन है कि इट इज़ कॉल्ड ब्रीथ प्रेजेंटेशन व्हेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रेजेंटिंग पार्ट एक्सेप्ट, तो ब्रीथ प्रेजेंटेशन में क्या होगा, बटक्स होंगे प्रेजेंटिंग पार्ट में, लेग होंगे, हैंड होंगे, या हेड होगा। ब्रीज प्रेजेंटेशन में हमेशा हेड डाउन होता है, यहाँ पे कहा गया है कि ब्रीज प्रेजेंटेशन कहते हैं सभी भाग उपस्थित हैं किसी एक को छोड़कर, तो ब्रीज प्रेजेंटेशन में क्या होता है, हेड डाउन होता है, बाकी बटुक्स है, लेग है, सॉरी जो वर्टिक्स प्रेजेंटेशन है यहाँ पे हेड डाउन होगा, ब्रीज प्रेजेंटेशन में बटुक्स भी प्रेजेंटिंग पार्ट हो सकते हैं, लेग भी हो सकते हैं, हैंड भी हो सकते हैं, हैंड और लेग में अलग केस जो कंसीडर किया जाता है, लेकिन वर्टिक्स प्रेजेंटेशन वाला यहाँ पर जो साइन आ गया है वो क्या है, वो हेड वाला, क्या है, हेड, क्योंकि ये किसका है, ये वर्टिक्स का, वर्टिक्स और सिफेलिक, आप इसको सिफेलिक पोजीशन यूज़ कर सकते हैं या फिर वर्टिक्स प्रेजेंटेशन है जो कह सकते हैं, लेकिन ब्रीच का पूछा है वो क्या होगा, यहाँ पर हेड, हेड है जो प्रेजेंटिंग पार्ट नहीं होगा। नेक्स्ट वन, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर इज द पीरियड फॉर्म, तो प्रसव पीड़ा का तीसरा चरण है कब तक की अवधि होती है, फर्स्ट 2 आवर आफ्टर डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी टू द डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स ऑफ द डिलीवरी ऑफ बेबी, या फिर ऑनसेट ऑफ लेबर पेन टू फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स। इट्स अ फर्स्ट स्टेज, जो फोर्थ ऑप्शन है क्या है, है पहली स्टेज, जब लेबर पेन स्टार्ट होने से लेके सर्विक्स डायलेट होती है तो ये क्या कहलाती है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। फिर यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 है ये है सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, क्लियर। फिर यहाँ पर आपकी ये आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी टू डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, ये कहलाएगी आपकी तीसरी स्टेज, कौन सी, तीसरी, और ये लास्ट में क्या है, ये फोर्थ स्टेज, जिसको ऑब्जर्वेशनरी स्टेज के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन में पूछा है कि तीसरी स्टेज क्या है लेबर के पीरियड की, तो बेबी डिलीवर होने के बाद से लेके प्लेसेंटा डिलीवर होने की स्टेज कहलाती है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। नेक्स्ट इज,
हेपेटाइटिस सी कॉजेज, हेपेटाइटिस सी है जो किसके कारण होगा, इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स, इन्फ्लामेशन ऑफ हार्ट, इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर या फिर इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन। हेपेटिक यहाँ पे याद रखें, जहाँ पर भी वर्ड हेपेटिक जुड़ जाए दैट मीन्स क्या है यहाँ पर, लीवर, क्या है लीवर। आइटिस मतलब इन्फेक्शन, तो हेपेटाइटिस सी किसका इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर, क्या है फ्लेबाइटिस जुड़े मतलब वेन, क्लियर है। कार्डियो जुड़े तो वो है यहाँ पर आपका हार्ट, प्लूरा जुड़े दैट मीन्स लंग, क्लियर। नेक्स्ट वन, डेंजर साइन फॉर वुमेन इन लेबर इज, प्रसव पीड़ा में महिला के लिए खतरे के जो लक्षण हैं वो क्या हैं, सीवियर हेडेक विथ ब्लड विजन, टायर्डनेस, ब्लडी स्टिकी डिस्चार्ज, पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन एट रेगुलर इंटरवल। डेंजर साइन है किसमें, लेबर के टाइम पर कौन सा है, टायर्डनेस कॉमन सी बात है, इतने यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आते, लेबर पेन होते इसके कारण, थकावट होती है। ब्लडी स्टिकी डिस्चार्ज, जो म्यूकस प्लग क्लोज करके रखता है सर्विक्स को वो है जो ओपन हो जाता है, तो ब्लड स्टिक डिस्चार्ज भी होगा। पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन आएंगे इंटरवल के साथ में, लेकिन यदि डिलीवरी के टाइम पर, लेबर के टाइम पर महिला को हेडेक हो, ब्लड विजन हो, दैट मीन्स उसको क्या हो रहा है, एक्लेम्सिया की कंडीशन डेवलप हो रही है, एक्लेम्सिया और प्री एक्लेम्सिया की, तो एक इसमें कंसीडर किया जाएगा डेंजर साइन में ऑप्शन नंबर वन, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द। अगला क्वेश्चन है, अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइन ऑफ लेबर आर, प्रसव पीड़ा के संकेतों की प्रारंभिक पहचान क्या है, ब्लड स्टिकी डिस्चार्ज, पेनफुल कॉन्ट्रैक्शंस स्टार्टिंग फ्रॉम द बैक, पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन रेडिएटिंग टू द फ्रंट एट रेगुलर इंटरवल, ऑल ऑफ दिस। ट्रू लेबर पेन के अर्ली आइडेंटिफिकेशन साइन क्या है लेबर के, ब्लड स्टिक डिस्चार्ज क्यों होगा, क्योंकि मान लीजिए कि ये सर्विक्स है, यहाँ पर इस एरिया में डिलीवरी जो कंसीव करने के बाद एक प्लग का फॉर्मेशन होता है, इसके कारण बेबी है जो बाहर ना आए यहाँ से, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्शन आते हैं तो म्यूकस प्लग क्या है, सबसे पहले बाहर आएगा, इसके कारण ब्लड स्टिक डिस्चार्ज होगा। कॉन्ट्रैक्शन हमेशा ट्रू लेवर पेन के बैक साइड से स्टार्ट होते हैं और धीरे धीरे रेडिएट होंगे कहाँ पर, आगे की तरफ, तो आपका आंसर भी क्या होगा, ऑल ऑफ। एट 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी द फंडल हाइट विल बी एट द लेवल ऑफ, 24 हफ्ते की प्रेगनेंसी में जो गर्भावस्था है उसकी हाइट कहाँ तक पहुँचेगी, 24 हफ्ते के जेस्टेशनल पीरियड में जो हाइट है, फंडल हाइट है, वो कहाँ तक जाएगी, सिम्फाइसिस प्यूबस, मिडवे बिटवीन अम्ब्लाइकस एंड सिम्फाइसिस प्यूबस, अम्ब्लाइकस तक, मिडवे बिटवीन अम्ब्लाइकस एंड एक्सीफेस्टर्नम तक, तो यहाँ पर बात की जा रही है 24 हफ्ते की। बिफोर 16 कहते हैं तो ये होती है बिलो, सॉरी 16 कहते हैं तो होती सिम्फाइसिस प्यूबस तक, 20 कहते तो बीच में होती सिम्फाइसिस प्यूबस और अम्ब्लाइकस के बीच में, लेकिन यहाँ पर देखिए यह किसके लिए, 16 वीक के लिए, सेकंड ऑप्शन है 20 वीक के लिए, ये जो थर्ड ऑप्शन है इसमें 24 वीक्स में कहाँ पे जाएगी, अम्ब्लाइकस तक, एक्सीफेस्टर्नम और अम्ब्लाइकस के बीच में जनरली होती है 35 के बीच में, यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा कि 24 वीक की प्रेगनेंसी में फंडल हाइट कहाँ तक पहुँचेगी, अम्ब्लाइकस तक, नाभि तक। नेक्स्ट वन, ऑफ इंडिया रिड्यूस मैटरनल मॉर्टलिटी एंड ANM इज एम्पावर्ड टू टेक द फॉलोइंग एक्सेप्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू भारत सरकार के द्वारा मैटरनल मॉर्टलिटी रेट को कम करने के लिए, मैटरनल मॉर्टलिटी रेट को कम करने के लिए, मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए ANM के लिए सभी अधिकार दिए हैं किसी एक को छोड़कर, यूज यूट्रोटोनिक ड्रग टू प्रिवेंट PPH, यूज सर्टन ड्रग्स इन इमरजेंसी टू स्टेबलाइज द पेशेंट बिफोर रेफरल, परफॉर्म बेसिक प्रोसीजर इन इमरजेंसी सिचुएशन, परफॉर्म इंट्यूबेशन इन एन इमरजेंसी सिचुएशन, सब कुछ करने के अधिकार दिए हैं किसी एक को छोड़कर ANM के लिए,
इमरजेंसी केस में मैटरनल मॉर्टलिटी रेट को कम करने के लिए कुछ राइट्स हैं कर सकते, लेकिन किसी एक को छोड़कर आप यूट्रोटोनिक ड्रग जैसे ऑक्सीटोसिन पिटोसिन दे सकते हैं पीपीएच से प्रिवेंट करने के लिए, इमरजेंसी में पेशेंट को स्टेबलाइज करने के लिए कुछ मेडिकेशन दे सकते हैं, और कुछ ऐसे प्रोसीजर करने हो जिनकी ज़रूरत हो सकता है आपको डिलीवरी कराने की ज़रूरत पड़ जाए तो आप ये भी कर सकते, लेकिन आप मरीज को इंटीबेट करने का काम नहीं कर सकते हैं, मरीज को इंटीबेट करने का काम आप नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसी। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होगा? B3, फॉलिक एसिड, B6 या फिर B12? B12 की कमी से होगा। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का जो रीज़न है वो क्या है? विटामिन B12 की कमी होना। क्वेश्चन और आता है, जो वेजिटेरियन लोग होते हैं उनमें कौन सा विटामिन बहुत कम देखने को मिलता है? तो है यहाँ पर B12। नेक्स्ट इज फैट सॉल्युबल विटामिन आर। फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से हैं? सबको पता है ADEK, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, बाकी विटामिन सी और विटामिन बी कैटेगरी के जो अलग अलग विटामिन है वो क्या हुए? पानी में घुलनशील विटामिन। लेकिन वसा में घुलनशील विटामिन कौन से? ADEK। ऑप्शन में होगा आपका लास्ट नंबर वाला ऑप्शन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रूट विटामिन के नीड्स टू बी एडमिनिस्टर्ड सून आफ्टर द बर्थ। विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है आफ्टर डिलीवरी के बाद बच्चे में, किस रूट से देंगे आप? ओरल, इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस या फिर इंट्रामस्कुलर। जो भी लोग इन पेपर्स को परचेस करना चाहते हैं PDF फॉर्मेट में आपको पेपर्स है जो प्रोवाइड कराए जाएंगे, तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके इन पेपर्स को परचेस कर सकते हैं। तो विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है इंट्रामस्कुलर रूट से, किस चीज़ से प्रिवेंट करने के लिए? ब्लीडिंग और हेमरेज से प्रिवेंट करने के लिए। यदि बच्चे का वजन प्रीटर्म हुआ है बच्चा, तो डोज देंगे आप 0.5, क्या है 0.5 हाफ डोज, 2 kg से ज़्यादा का है तो फुल डोज देंगे। नेक्स्ट वन, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेस। तो विटामिन डी की कमी से क्या हो सकता है? ऑस्टियोमलेशिया, स्कर्वी, वेरी वेरी वाइट आउट स्पॉट। वाइट आउट स्पॉट होंगे ए की कमी से, वेरी वेरी होगा बी की कमी से, स्कर्वी होगा सी की कमी से, क्या होगा? ऑस्टियो, दैट मीन्स बोन से रिलेट करती हुई प्रॉब्लम। जितनी भी हड्डियों से रिलेट करती हुई प्रॉब्लम होती हैं वो होती हैं विटामिन डी की कमी के कारण। आंसर होगा आपका क्या? ऑस्टियोमलेशिया। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसी कॉसेस ज़ीरोथैल्मिया। कौन से विटामिन की कमी के कारण ज़ीरोथैल्मिया होगा? जो आँखों की कॉर्नियल एरिया है यहाँ पर ड्राइनेस के कारण है जो प्रॉब्लम देखने को मिलेगी वो कहलाती है ज़ीरोथैल्मिया। अभी किस विटामिन की कमी से होगा? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन ई। कौन से विटामिन की कमी के कारण होगा ज़ीरोथैल्मिया? तो ये होगा विटामिन ए की कमी के कारण। आँखों से रिलेट करते हुए जितनी भी दिक्कतें हैं वो होती हैं विटामिन ए की कमी से ही। कमी से क्या होगा? ऑस्टियोमलेशिया एंड रिकेट्स। ई की कमी से हो सकती है स्टरिलिटी, एंटीऑक्सीडेंट इसको कहा जाता है। ए की कमी से आँखों से रिलेट करती हुई प्रॉब्लम, सी की कमी से स्कर्वी। विटामिन सी है, वुंड हीलिंग के लिए हेल्पफुल होता है, भी आपको एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट वन, द फंक्शन ऑफ प्रोटीन इन द बॉडी इज। तो हमारे शरीर में प्रोटीन का काम क्या है? बॉडी बिल्डिंग करना, प्रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टिश्यू, सिंथेसाइजेस ऑफ एंटीबॉडीज या फिर ऑल ऑफ दीज। प्रोटीन का काम सब कुछ है बॉडी बिल्डिंग में। जो भी लोग मसल्स बनाते हैं मसल्स के लिए क्या ज़रूरी है? तो वो है प्रोटीन। जो बॉडी टिश्यू की रिपेयरिंग में हेल्प करेंगे तो वो भी है प्रोटीन। एंटीबॉडीज को सिंथेसाइज करने का काम भी कौन करेगा? प्रोटीन। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव और ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट वन, द एक्शन टेकन एट द आंगनवाड़ी सेंटर फॉर केयर एंड ट्रीटमेंट ऑफ अंडर न्यूट्रिशन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे एक्सेप्ट करके कहा गया है कि आंगनवाड़ी में अंडर न्यूट्रिशन बच्चों को, जो कुपोषित बच्चे हैं, उनकी देखभाल सभी तरीकों से की जाएगी किसी एक को छोड़कर। रूटीन ग्रोथ मॉनिटरिंग, काउंसलिंग केयर गिवर फॉर प्रॉपर फीडिंग, प्रोवाइड डबल रिएक्शन सॉरी रेशन ऑफ
सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन या फिर एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक, अंडर न्यूट्रिशन को मैनेज करने के लिए, अंडर न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, कम न्यूट्रिशन है, उसको मैनेज करना है, डेली ग्रोथ मॉनिटरिंग की जाएगी, केयर गिवर प्रॉपर फीडिंग कराएंगी, काउंसलिंग की जाएगी, और यहाँ पर साथ ही साथ सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन भी डबल है जो दिए जाएंगे कि बच्चा जल्दी से रिकवर हो जाए, लेकिन एंटीबायोटिक्स एडमिनिस्टर नहीं की जाएंगी। एंटीबायोटिक्स से तो किसी की भी ग्रोथ नहीं हुई है, चाहे वो अंडर नरिश्ड हो या नॉर्मली वेल बेबी हो। तो यहाँ पर जो नहीं किया जाएगा वो क्या होगा, एडमिनिस्टर द एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट इज अ प्रोग्राम विच इनकम्पासेस अ रेंज ऑफ इंटरवेंशंस टू प्रिवेंट एंड मैनेज द मेजर चाइल्डहुड इलनेस लाइक डायरिया एंड एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। कौन सा प्रोग्राम है जिसके तहत जो मेजर चाइल्डहुड इलनेस है जैसे कि डायरिया, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, इसके लिए मैनेज किया जाता है। जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना, मिड डे मील प्रोग्राम या फिर इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूबॉर्न एंड चाइल्डहुड इलनेस। डायरिया और एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में कौन हेल्प करता है, तो ये करेगा कौन, IMNCI, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूबॉर्न एंड चाइल्डहुड इलनेस। IMNCI इसके लिए हेल्प करेगा। जननी सुरक्षा योजना है मैटरनल डिलीवरीज की, जो डिलीवरी है मदर्स की, हॉस्पिटल में बढ़ावा देना ताकि मैटरनल और न्यूनेटल मोर्टिलिटी रेट को कम किया जा सके। वही सेम एम है JSS जो जननी शिशु सुरक्षा योजना है उसका। फिर यहाँ पर है मिड डे मील प्रोग्राम, तो ये यहाँ पर स्कूल में जो खाना डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसको लेके है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा आपका आंसर होगा IMNCI। नेक्स्ट वन, द स्कीम विच प्रोवाइड्स, नेक्स्ट वन, द स्कीम विच प्रोवाइड्स फ्री एंड कैशलेस सर्विसेज फॉर प्रेग्नेंट वुमेन न्यू बॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट 30 days ऑफ अ लाइफ एट ऑल गवर्नमेंट हेल्थ इंस्टीट्यूशन। सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में जीवन के पहले 30 दिनों के दौरान गर्भवती महिला और नवजात शिशु को मुफ्त कैशलेस सेवा प्रदान करने वाली योजना कौन सी है, जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना, IMNCI या इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। डिलीवरी होने से लेके फर्स्ट दिन से लेके 30 दिनों तक, या पर ये कह सकते हैं कि शुरुआती 30 दिनों तक डिलीवरी के टाइम पर कैशलेस सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती है माँ और जो न्यूबॉर्न बेबी है उसके लिए। क्या होगा, जननी शिशु सुरक्षा योजना, इसके तहत जो बच्चा पैदा हुआ है उसकी मॉर्टलिटी रेट को कम करना, माँ की जो मेटरनल डेथ होने का रीजन उसको भी कम करना। विटामिन B12 का इंजेक्शन क्यों दिया जाएगा, जब मरीज को परनीसियस एनीमिया की कंडीशन हुई हो तब। नेक्स्ट वन, द नेशनल हेल्थ पॉलिसी एम टू रिड्यूस इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट बाय 2025। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी का एम रखा गया है कि 2025 तक कितनी है जो इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट है हमें लेके आनी है नेशनल हेल्थ पॉलिसी के तहत। नेशनल हेल्थ पॉलिसी के तहत जो 2025 तक क्या है, 2025 तक कितनी लेके आनी है, तो ये लेके आनी है कितनी, यह 16% तक, कितना 16% तक। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडी डिटरमाइंड प्रेवलेंस ऑफ डिसीज। तो यहाँ पर कौन सी स्टडी है डिसीज प्रेवलेंस के बारे में, बीमारियों की व्यापकता निर्धारित करने के लिए कौन सी स्टडी की जाएगी, लॉन्गिट्यूडनल, क्रॉस सेक्शनल, केस कंट्रोल या फिर कोहार्ट स्टडी, कौन सी स्टडी की जाएगी, तो वो होगी क्रॉस सेक्शनल स्टडी। कौन सी, क्रॉस सेक्शनल स्टडी। नेक्स्ट वन, द मेल सेक्स हार्मोन इज, तो इनमें से मेल सेक्स हार्मोन कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन या फिर कॉर्टिसोल। तो मेल सेक्स हार्मोन है क्या, टेस्टोस्टेरोन, जो कि टेस्टिस इनका प्रोडक्शन करेंगी। फीमेल का है क्या, एस्ट्रोजन। पूछा जाए यदि फीमेल का सेक्स हार्मोन तो वो एस्ट्रोजन, मेल का क्या है, टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट वन, फुल फॉर्म ऑफ BCG, देखिए कितना इजी क्वेश्चन है ये, BCG वैक्सीन है,
इंट्राडर्मल रूट से इंजेक्ट की जाती है एट द टाइम ऑफ बर्थ। यदि जन्म के समय से लेकर एक महीने तक नहीं दी जा पाई तो एक महीने से एक साल की उम्र तक भी डिफरेंट डोज में सेम रूट में दी जा सकती है। इसका फुल फॉर्म होता है वैसिलाई कालमेटिक यूरिन। क्या है? वैसिलाई कालमेटिक यूरिन। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द सिंबल ऑफ एचआईवी अवेयरनेस कैंपेन? तो एचआईवी जागरूकता अभियान का प्रतीक क्या है? ब्लू रिबन, येलो रिबन, व्हाइट रिबन या फिर रेड रिबन? तो जैसे ब्रेस्ट कैंसर के लिए यूज किया जाता है पिंक रिबन, वैसे ही यहाँ पर एचआईवी के लिए क्या यूज किया जाता है? रेड रिबन। आपने जो ऐसे इस तरीके से देखा होगा रेड कलर का होगा तो ये क्या कहलाता है? सिंबल है एचआईवी अवेयरनेस कैंपेन के लिए। नेक्स्ट वन, हाइपरटेंशन इज द टर्म यूज्ड फॉर? उच्च रक्तचाप किसके लिए प्रयोग किया जाता है? इंक्रीज हार्ट रेट, डिक्रीज इन हार्ट रेट, लो बीपी या फिर हाई बीपी? हाइपर का मतलब है बड़ा हुआ, ये क्या है? हाई ब्लड प्रेशर। इन विच डिसऑर्डर ब्लड हैज डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन? कौन से ब्लड डिसऑर्डर में हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव होगा? ऑप्शन है हेमेटोमा, हेमेच्यूरिया, हीमोफीलिया, फिर सिकल सेल एनीमिया। हीमोफीलिया में ब्लड क्लॉटिंग की डेफिशिएंसी होगी 8 और 9 में। अब डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन की बात की जा रही है, क्या है? डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन की बात की जा रही है तो किसमें होगा? सिकल सेल एनीमिया में। किसमें? सिकल सेल एनीमिया में। नेक्स्ट वन, किशोरी शक्ति योजना, यदि हीमोफीलिया पूछे तो यहाँ पर फैक्टर नंबर 9 एंड फैक्टर नंबर 8 की कमी के कारण हो गए। नेक्स्ट वन इज द किशोरी शक्ति योजना। किशोरी शक्ति योजना क्या है? यहाँ पर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन अंडर मैटरनिटी बेनिफिट। क्वेश्चन है किशोरी शक्ति योजना, किशोरी शक्ति योजना है जो क्या है या फिर किस फील्ड में काम करती है? ऑप्शन है यहाँ पर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन अंडर मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम, एडोलेसेंट गर्ल्स स्कीम अंडर ICDS, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर गर्ल चाइल्ड, चाइल्ड केयर होम स्कीम फॉर फीमेल जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स। तो किशोरी शक्ति योजना, किशोरी का मतलब होता है एडोलेसेंट। याद रखें यहाँ पर आपको क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ रहता है। किशोर अवस्था और किशोर अवस्था की समस्याएं, और किशोरी का मतलब क्या है यहाँ पर? एडोलेसेंट पीरियड, जो कि होता है आपका 10 से 19 साल तक का, अकॉर्डिंग टू WHO के जो किशोरावस्था है, एडोलेसेंट एज ग्रुप है, वो होता है 10 से 19 साल तक का। अब यहाँ पर किशोरी शक्ति योजना, पहला ऑप्शन है मातृत्व लाभ योजना के तहत महिलाओं का सशक्तिकरण करना, जो ICDS के तहत किशोरियों के लिए योजना है, या फिर फ्री और कंपलसरी एजुकेशन है। क्या है? फ्री और कंपलसरी एजुकेशन है गर्ल चाइल्ड के लिए, या फिर चाइल्ड केयर होम स्कीम है फीमेल जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स के लिए। किसके लिए है? कि जो महिला किशोर अपराधी है उनके लिए है। किसके लिए है? फिर यहाँ पर किशोरी शक्ति योजना क्या है? किशोरी शक्ति योजना, शक्ति का मतलब ही क्या है? उन लेडीज़ के लिए, एडोलेसेंट गर्ल के लिए जो एक स्कीम लाई गई है, ये क्या है? किशोरी शक्ति योजना इनिशिएटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर तो आपका आंसर क्या है? एडोलेसेंट गर्ल्स स्कीम अंडर ICDS। अब यहाँ पर जो एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए स्कीम है ये किस मिनिस्ट्री ने लाई थी? तो ये मिनिस्ट्री किस मिनिस्ट्री के तहत लाई गई थी? तो है यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये याद रखें आप, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के तहत इसको लाया गया था, जो 11 से 18 साल तक की गर्ल्स हैं उनके लिए इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के तहत 31 अगस्त 2007 को, 31 अगस्त 2007, याद रखना है डेट आपको। अब आपको इस किशोरी शक्ति योजना से, किससे? किशोरी शक्ति योजना की लॉन्चिंग डेट याद रखना है, 31 अगस्त 2007 में लॉन्च की गई थी 11 से 18 साल तक की गर्ल्स के लिए।
जो कि ICDS स्कीम के तहत इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के थ्रू। और इस लॉन्च कहाँ पर हुई थी? उड़ीसा में नवीन पटनायक CM थे वहाँ के। नेक्स्ट वन, हाइपोक्सिया इज अ टिश्यू लेवल डेफिशिएंसी ऑफ। तो हाइपोक्सिया में टिश्यूज में किसकी कमी होगी? ऑप्शन में है यहाँ पर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर पानी। किसकी कमी होगी? हाइपोक्सिया, ऑक्सिया मतलब ऑक्सीजन, हाइपो मतलब कम हो रहा है कुछ ना कुछ, तो यहाँ होगी ऑक्सीजन की कमी। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्प्रेड बाय कंटामिनेटेड वाटर। तो गंदे पानी से, दूषित पानी से क्या फैलता है? डेंगू फीवर, एंसेफेलाइटिस, टाइफॉइड या फिर फाइलेरियासिस। तो यहाँ पर जो गंदे पानी से होगा वो होता है कोलेरा, टाइफॉइड, और यहाँ पर गंदे पानी से हेपेटाइटिस ए और ई भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर क्या होगा, जनरली हेपेटाइटिस ए और ई होते हैं फीकोरल रूट से, लेकिन यदि आपको इनके इस ऑप्शन में कंटामिनेटेड वाटर है तो हो सकता है। तो यहाँ पर याद रखना है कंटामिनेटेड वाटर से यहाँ पर क्या होगा आपको, टाइफॉइड। नेक्स्ट वन, अब यहाँ पर यदि टाइफॉइड की बात की जाए तो टाइफॉइड का एक फीचर आता है एग्ज़ाम में, वो होता है स्टूल से लेके। तो स्टूल कैसा होगा? पी सूप स्टूल। इसके लिए जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है यहाँ पर? साल्मोनेला टाइफी। नेक्स्ट वन, चेन्नई इज़ द कैपिटल ऑफ। चेन्नई निम्नलिखित में से किसकी राजधानी है? तो कर्नाटका की क्या है? बेंगलोर। तमिलनाडु की है चेन्नई। उड़ीसा की है भुवनेश्वर। तो यहाँ पर चेन्नई किसकी कैपिटल है? तो चेन्नई है तमिलनाडु की। नेक्स्ट वन, एंटी मलेरिया मंथ इन इंडिया इज ऑब्जर्व एवरी ईयर इन द मंथ। भारत में एंटी मलेरिया महीना हर साल किस महीने में मनाते हैं? अप्रैल, मई, जून, सितंबर। तो ये मनाते हैं हम जून में हर साल, जो पूरा जून का मंथ है। जैसे अगस्त फर्स्ट वीक को ब्रेस्ट फीडिंग वीक के तौर पर मनाते हैं, न्यूट्रिशन वीक के तौर पर पोषण मंथ सितंबर में मनाते हैं, ऐसे ही एंटी मलेरिया मंथ क्या है? जून। नेक्स्ट वन, विच डे ऑफ द ईयर इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड थायराइड डे। विश्व थायराइड दिवस के रूप में क्या मनाया जाता है? 22 मई, 10 मई, 29 मई या फिर 25 मई। कितने मई को आप वर्ल्ड थायराइड दिवस मनाते हैं? तो ये मनाते हैं हर साल 25 मई को। नेक्स्ट इज द रिसेंटली विच फॉर्मर इंडियन स्प्रिंटर हैज़ पास्ड अवे। तो ये पेपर है 2021 का। यहाँ पर हो सकता है आपको अपकमिंग टाइम में कोई और जो फेमस जिनकी भी डेथ हो या फिर कोई बुक लॉन्च की हो वो पूछ सकते हैं। तो उस टाइम पर जिनकी डेथ हुई थी वो कौन थे? वो थे मिल्खा सिंह। नेक्स्ट वन, हु हैज़ बीन, जो भाग मिल्खा भाग मूवी है इन्हीं के ऊपर बनाई गई थी। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सिविल एविएशन मिनिस्टर। नए नागरिक उड्डयन मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और वो अभी भी हैं अनुराग सिंह ठाकुर, नारायण राणे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, भूपेंद्र यादव। तो जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया। नेक्स्ट वन, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज लॉन्च एन ऑफिशियल मोबाइल ऐप फॉर जर्नलिस्ट। हु इज द करेंट CJI ऑफ इंडिया। भारत के CJI क्या हैं? भारत के CJI पूछे हैं कौन है? ऑप्शन में है यहाँ पर आनंदराज, नुथलपति वेंकटरमण, सुनील सिंह या फिर सुदीप शर्मा। तो यहाँ पर बात करें अब हम, जैसा मैंने कहा कि ये पेपर प्रीवियस है, तो यदि यहाँ पर इनके ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो उस टाइम पे कौन थे CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? तो वो थे नुथलपति वेंकटरमण। बट नावाडेज आपको नाम याद रखना है धनंजय यशवंत। क्या है? धनंजय यशवंत, DY चंद्रचूड़ कौन है? नए CJI इंडिया के। क्लियर, याद रखना है नाम, DY चंद्रचूड़ नए CJI हैं। नेक्स्ट वन, वर्ल्ड हेल्थ डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल कब मनाते हैं आप?
तो डेट सबको याद है वो है 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं हम? 7 अप्रैल को। नेक्स्ट वन, इन इंडिया विच डे ऑफ द ईयर इज ऑब्जर्व एज नेशनल डॉक्टर्स डे? तो हम हर साल नेशनल डॉक्टर्स डे के कब मनाते हैं? 30 जून, 15 जून, 1 जुलाई या फिर 15 जुलाई को। तो हर साल हम नेशनल डॉक्टर्स डे मनाते हैं राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के तौर पर 1 जुलाई को। नेक्स्ट वन, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ रोहित सरदाना हु हैज पास्ड अवे? जब है जो रिसेंट में एक बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट थे जिनकी कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक के कारण डेथ हो गई थी, जो भी न्यूज़ में उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। तो जो रोहित सरदाना थे वो कौन थे? एक फेमस जर्नलिस्ट थे आज तक में आते थे। नेक्स्ट वन, विच इंडियन बॉक्सर हैज़ वॉन द 5th सक्सेसिव मेडल एट द एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप? अब आपको यदि स्पोर्ट्स से क्वेश्चन बनते हैं तो जो अभी ICC वर्ल्ड कप चल रहा है इससे आ सकता है, या फिर आपको जो गेम्स होते हैं उनमें से क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। तो जो इंडियन बॉक्सर जो 5वां सक्सेसिव मेडल जीता था एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में वो कौन थे? शिवा थापा। नेक्स्ट वन, हु इज़ द न्यू CEO ऑफ ई कॉमर्स कंपनी अमेजन? अमेजन के CEO पूछे थे माइकल होल्डर, एंडी जेसी, एंथोनी ब्रैटमैन या फिर जूलियस बोरो। कौन थे अमेजन के CEO? अब आपको अमेजन के पूछ सकते हैं, फ्लिपकार्ट के पूछ सकते हैं, पेटीएम के, इंस्टाग्राम के, किसी के भी पूछ सकते हैं। तो अमेजन के जो CEO हैं वो कौन है? एंडी जेसी। 5 जुलाई 2021 से अमेजन के नए CEO कौन है? एंडी जेसी। और गूगल के पूछें तो सुंदर पिचाई। नेक्स्ट वन, इंडियाज फर्स्ट टच स्क्रीन ग्रैन ATM वॉज इंस्टॉल्ड इन विच सिटी? टच स्क्रीन वाला जैसे फ़ोन की टच स्क्रीन है वैसा ग्रैन ATM है जो किस शहर में इंस्टॉल किया गया? दिल्ली, गुरुग्राम, देहरादून या फिर नोएडा? तो ये हुआ है गुरुग्राम में। नेक्स्ट वन, सुरभि रैंक्स 18th इन द क्लास ऑफ 49th स्टूडेंट, व्हाट इज हर रैंक फ्रॉम द लास्ट? अब जो लोग केरल का पेपर दे रहे हो उनको जो क्वेश्चन नंबर 83 से हैं, मतलब रीजनिंग वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं, केरल वालों को रीजनिंग के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन जो भी लोग गुजरात का OSSC उड़ीसा का पेपर दे रहे हों उनके लिए क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिए कि यदि 49 छात्रों की एक कक्षा में सुरभि का स्थान 18वां है तो लास्ट से उसकी रैंक क्या होगी? लास्ट से रैंक होगी 32वीं। इस टोटल कितने हैं? 49 बच्चे हैं जिसमें से 18वीं रैंक है सुरभि की। अब यहाँ पर 49 है तो उसकी जो रैंक होगी वो कितनी होगी? होगी यहाँ पर 18वीं। नेक्स्ट है, लड़कियों का एक बार एक लाइन में खड़ा एक लड़की दोनों स्वरों से क्रम में 19वें नंबर पर है, कक्षा में कितनी लड़कियां हैं? तो यहाँ पर लड़कियों की लाइन लगाई गई है तो एक लड़की है जिसका 19वां नंबर आता है, चाहे आगे से काउंट करो या पीछे से काउंट करो, टोटल कितनी लड़कियां होंगी क्लास में? टोटल होंगी 37। कितनी? 37। नेक्स्ट वन, इफ यदि 100 बैग में 10,000 किलोग्राम गेहूं पैक किए जाते हैं तो प्रत्येक बैग में कितना गेहूं होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब एक बैग में कितना कर रहे हैं आप? 100 किलोग्राम, क्लियर? एक बैग में 100 किलोग्राम, 100 बैग में कितना होगा? 10,000 किलोग्राम। नेक्स्ट वन, एक निश्चित कोड भाषा में ट्रेड को 7% @94 लिखा जाता है और प्रे को $%, #8 लिखा जाता है, तो आर्टरी का कोड क्या होगा? तो यहाँ पर आपको ये कोडिंग वाला है तो ये आप खुद से सॉल्व कीजिए, यहाँ पर आंसर इसका ये आएगा। अगला क्वेश्चन है, नेशनल एड्स कंट्रोल नेको का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, मुख्यालय कहाँ है राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन का? मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद या फिर कोलकाता में? तो ये क्वेश्चन एक जगह और ANM के पेपर में आ चुका है रिसेंट 2023 में। तो नेको का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? वो न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट वन, द फेमस दिलवाड़ा टेम्पल
फेमस दिलवारा टेम्पल कहाँ पर है? ये राजस्थान में बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट वन, इन विच स्टेट कुंडा कोलम न्यूक्लियर प्लांट लोकेटेड? अब नाम से आप लोग समझ जाइए कि ये साउथ में ही कहीं ना कहीं होगा। यहाँ पे जो स्टेट दिए हैं वो भी साउथ के ही हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। तो कुंडन कोलम जो परमाणु संयंत्र केंद्र है किस राज्य में है? तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी? हमारे मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है? ब्लड सेल, बोन सेल, नर्व सेल या फिर मसल सेल? तो ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी सेल है वो होती है नर्व सेल। कौन सी? नर्व सेल। यदि सबसे लार्जेस्ट सेल पूछें तो है ओवा, स्मॉलेस्ट पूछें तो वो है स्पर्म, और यदि यहाँ पर इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग लॉन्गेस्ट लंबाई में पूछें तो वो है नर्व सेल्स। नेक्स्ट वन, द फेमस टूरिस्ट सेंटर महाबलीपुरम इज लोकेटेड नियर? महाबलीपुरम कहाँ है? मुंबई में, दिल्ली में, चेन्नई में कि कोलकाता में? तो यह है कहाँ पर? चेन्नई में, चेन्नई के पास। नेक्स्ट वन इज द डिस्कवरी ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? आर के नारायणा, एम के गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर तिलक? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो एक बुक है ये लिखी है जवाहरलाल नेहरू जी ने। नेक्स्ट है यहाँ पर, यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाता है, शिक्षक को राजनेता, राजनेता को डॉक्टर, डॉक्टर को वकील, तो अपराधी को गिरफ्तार कौन करेगा? यहाँ पर पहले से ही कहा है कि पुलिस को टीचर कहा जा रहा है, पुलिस को क्या कह रहे हैं आप? टीचर। टीचर को पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन को डॉक्टर और डॉक्टर को लॉयर। क्वेश्चन में ही आंसर है, पुलिस क्या है? टीचर है। अब कोई जो भागा हुआ कैदी है, अपराधी है, तो उसको जो कौन पकड़ेगा? पुलिस पकड़ेगी, लेकिन पुलिस को क्या कह रहे हैं आप? टीचर। इसीलिए आंसर भी आपका क्या होगा? टीचर। अब एक सीरीज है, मिसिंग नंबर आपको फाइंड आउट करना है। यदि दो बराबर हैं 6 के, 4 इक्वल है 12 के, 8 है 24 के, तो 10 के बराबर क्या होगा? तो वो होगा यहाँ पर क्या? 30, 10 3। नेक्स्ट वन, फाइंड द मिसिंग ऑप्शन सीरीज BCD EFG फिर LMN देन आफ्टर वॉट? आफ्टर दैट आएगा आपका OPQ। नेक्स्ट सीरीज है, आपको कंप्लीट करना है 80 40 20 5, 80 40 20 10 5। नेक्स्ट, अब आपको ये सिक्वेंस में लेटर लिखना है कि क्वेश्चन में है आपका जो कौन सा अक्षर सेट अंतराल पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा? RSEOSROERSE। अब यहाँ पर सीक्वेंस वाइज क्या आएगा? O RE S O। फिर है यहाँ पर एक आपका डिस्टेंस का क्वेश्चन कि मोहन बिंदु ए से शुरू करता है, दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर चलेगा, देन आफ्टर लेफ्ट मुड़ेगा 1 किलोमीटर चलेगा, फिर लेफ्ट मुड़ेगा फिर 1 किलोमीटर चलेगा, तो कौन सी दिशा में जा रहा है? वो जा रहा है यहाँ पर किस में? नॉर्थ में। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ इंडिया? भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक का नाम क्या है? इंडिजियस का मतलब है स्वदेशी, खुद के देश में बना हुआ। INS विक्रांत, विराट, कोचीन या फिर विक्रम? पहला है जो, क्या है वो? INS विक्रांत। लास्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स लिम्फोसाइट, लार्जेस्ट व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स WBC है क्या? मोनोसाइट। तो ये तो था पेपर ऑफिशियल ANM का। अब जो भी लोग इन पेपर्स को परचेस करना चाहते हैं ANM के इन 22 सेट पेपर को, आपको डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 888-0-888-0-4-6-8-0-7-8। इस पे आप कांटेक्ट करके पेपर्स परचेस कर सकते हैं। 22 पेपर थे पहले, बट इसमें एक पेपर MP का ऐड कर दिया गया है, और जिन्होंने भी पेपर लिए हैं ANM के स्पेशली, तो आप लोग प्लीज़ मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे एक बार मैसेज कीजिए, क्योंकि उतना ज़्यादा डेटा है जो ऐड नहीं हो पाता जिन्होंने लिए हैं, तो उनको मैं जो एक पेपर MP का है उसको सेंड कर पाऊँ।
अब आपको इसी तरीके से जो भी लोग इन पेपर्स को परचेस करना चाहते हैं तो वो आपको मिल जाएंगे। ये है आपका अमरू यूनिवर्सिटी का पेपर जो मंडी में एग्ज़ाम हुआ था वहाँ के लिए, हिमाचल प्रदेश का, पूरे इंग्लिश फॉर्मेट में है, तो ये पेपर भी आप लोग परचेस कर सकते हैं। फीमेल हेल्थ वर्कर का और ANM की पोस्ट के लिए एग्ज़ाम हुआ था। ये DSSB का पेपर है आपके ANM का। इस तरीके से आपको पूरे पेपर्स दिखा देती हूँ कि आपको पेपर किस तरीके से रहने वाले हैं, ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो। जो OSSC वाले एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिनका OSSC का एग्ज़ाम है इसी मंथ में, आई थिंक 14 या 15 नवंबर को पेपर है, आप लोग जो वेबसाइट पर जाके चेक कर लीजिए, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है। उनके लिए ये पेपर बहुत रामबाण की तरह साबित होंगे, क्योंकि इन पेपर्स में आपको रीजनिंग GK वगैरह था वो कन्फर्म हो जाएगी कि किस तरीके के आ सकता है। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपके एग्ज़ाम के पहले यदि OSSC का एक भी पेपर मेरे पास मिल गया तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी। ये रहा आपका DSSB का पेपर है, ये रहे आपके राजस्थान के पेपर, जिनको कुछ पेपर्स को इंग्लिश में कन्वर्ट कर रखा है, कुछ हिंदी में है। तो इस तरीके से एक सिंगल PDF थी जिसमें 5 पेपर इंक्लूडेड थे। इस तरीके से आपको 22 पेपर है जो अवेलेबल करवाए जाएंगे, जिसमें एक PDF होगी 200 पेज से ज़्यादा की, और और 3 PDF और होंगी जिनमें सिंगल सिंगल पेपर होंगे, तो जिसमें आपके 50 और 60 पेज की PDF और रहेंगी। तो इस तरीके से जो भी लोग इन PDF को परचेस करना चाहता है, डायरेक्ट मेरे WhatsApp नंबर पर कॉन्टैक्ट करके इन PDF को परचेस कर सकते हैं। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। कोई भी डाउट रह जाते हैं आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर।